अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो फाइनली फेडरल रिजर्व ने जो है इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा दिए हैं। सिग्नल ये दिया है कि अब फाइनली कोई इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ेगा, बट दैट इज जस्ट अ सिग्नल। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि अब हम फाइनली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, इतना इंटरेस्ट रेट काफी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब बात ये आती है कि क्या फाइनली इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे, सीपीआई के नंबर से अगले हफ्ते वापस से। तो अगेन इम्पॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे, हर रोज हर हफ्ता कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट नंबर्स आ रहा है और मार्केट इतना डेटा ड्रिवन हो गया है कि ट्रेडिंग करना मुश्किल कर दिया मार्केट ने। अब ये देखना है कि कितना सीपीआई आता है। बाकी नॉन फार्म पेरोल नंबर्स पे एक अच्छे नंबर्स आए थे जिससे पता चल रहा था इकोनॉमी में एक अच्छी जगह है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की। तो अगर नॉन फार्म पेरोल नंबर थोड़े से भी क्रैश आते या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा भी बढ़ के आता तो हमें थोड़ा सा एक इशू आ जाता कि हाँ इंटरेस्ट रेट अब शायद नहीं बढ़ेंगे। बट जिस तरीके से नॉन फार्म पेरोल नंबर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने सिग्नल दिया है, अब मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड तो रहेंगे, ये तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन फेडरल रिजर्व के पास एक चांस और है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, तो वो आई थिंक वो असेस करेंगे कि जब अगर उनको लगेगा कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ रही है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कम से कम एक इंटरेस्ट रेट हाइक और आ जाए इस साल। बाकी ये सारा का सारा इन्फ्लेशन पे डिपेंड्स करता है। बैंकिंग क्राइसिस भी उन्होंने एड्रेस किया इस बार, बैंकिंग क्राइसिस में भी बताया कि फाइनली जो है काफी बैंक्स जो है इंसॉल्वेंट की, जो मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे एक अपडेट दिया था कि कम से कम आधे बैंक यूएस के जो है इंसॉल्वेंट की कगार पे है। इंसॉल्वेंट मतलब हो सकता है कि वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाए, तो उसको भी उन्होंने एड्रेस किया फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने और बताया कि हो सकता है कि सारे बैंक इंसॉल्वेंट ना हो और दे आर वर्किंग विद अदर बैंक टू स्टेबिलाईज द इकोनॉमी। अब आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट तो मुझे लगता है कि फाइनली स्टेबल हो गया है। अब इन्फ्लेशन अगर स्टेबल हो जाए तो थोड़ी सी ट्रेडिंग करना आसान हो जाए। इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसे लेके अभी भी दो साल से परेशानी चली रही है, बढ़ जा रहा है घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है घट जा रहा है। और मेन इशू यह है कि इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ता है घटता है तो एक बस्ट मोमेंट मार्केट में आती है और उसके बाद सारे ट्रेंड चेंज हो जाते हैं या फिर लेवल्स चेंज हो जाते हैं और फिर मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिकॉज एक ही कैंडल 30-30, 40-40 डॉलर की बन जाती है तो फिर एंट्री करना मुश्किल होता है, स्टॉप लॉस डालने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो लेट्स सी, अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो स्टेबलाइज मोर और लेस हो गए हैं। अब इन्फ्लेशन अगर स्टेबलाइज हो जाए तो ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। बाकी आने वाले हफ्तों में देखते हैं कि ट्रेडिंग करना कितना आसान होता है। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से इवेंट है, कौन कौन सा लेवल हमको देखना है नेक्स्ट वीक। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया एंड प्लीज लाइक करके वीडियो आगे बढ़ाइए। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर एक्शन हो सकते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट, 2081 का लाइफ टाइम हाई बनाया है इसने थर्सडे को। थर्सडे का ही हाई है बिकॉज फेडरल रिजर्व के टाइम पे तो तकरीबन 2050 तक चला गया था, बट जब ओपन हुआ तो एक जबरदस्त ओपन हुआ और 2080 का एक नया लाइफ टाइम हाई छाप ही दिया फाइनली उसने। ऐसा लग रहा था कि फेडरल रिजर्व के टाइम पे जब मार्केट ने हाई बनाए तो फाइनली लाइफ टाइम हाई नहीं लगेगा, बट ओपन होते ही मार्केट ने छाप दिया और फिर नया लाइफ टाइम हाई गोल्ड के लिए बन गया था। अगले हफ्ते वापस से सीपीआई के नंबर्स हैं और ऑलमोस्ट ऐसा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया कि ऑलमोस्ट यही हो रहा है कि हर हफ्ते 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि मेजर डेटा होते हैं और गोल्ड उस पर बहुत ज़बरदस्त मूव कर देता है और फिर बाकी के दिन फ्लैट काम करता रहता है गोल्ड। ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा है, अब लेट सी के कितने हफ्ते ये बात चलती है, बिकॉज दो में से एक फैक्टर जो है वो तो अब शांत हो गया है, मेरा मतलब है इंटरेस्ट रेट वाला। अब इन्फ्लेशन एक थोड़ी सी बची है कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ी सी शांत हो जाए या स्टेबलाइज भी हो जाए तो फिर अपने को बहुत आसानी हो सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए पहले अगले हफ्ते का डेटा देखते हैं फिर आते हैं वापस से गोल्ड के चार्ट पे। मंडे लास्ट जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स हैं अर्ली मॉर्निंग, ब्रिटिश हॉलीडे, चाइना का ट्रेड बैलेंस आएगा, इसके बाद
वेडनेसडे से अगेन डेटा शुरू, सीपीआई मंथली ईयरली कोर सीपीआई। उसके बाद थर्सडे को ब्रिटिश की मॉनेटरी पॉलिसी है और यूएस की कोर पीपीआई और पीपीआई नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद फ्राइडे को इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं न्यूजीलैंड के, वो तो हमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। जीडीपी आएगा ब्रिटिश का, उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन। तो 5 में से 3 दिन मेजर डेटा रहेंगे अगले हफ्ते भी, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी पोजीशन ले रहे हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। अब गोल्ड में हम 2015 के आसपास आ गए हैं। कल हमने 2000 के नीचे एक थोड़ा सा डिप जरूर दिखाया था, बट गोल्ड ने सस्टेन नहीं किया 2000 डॉलर के नीचे। नॉनदलेस अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड को किसी ने वीक जोन में घसीट लिया हो। 2000 डॉलर के नीचे भी क्लोजिंग दे देता तब भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहता। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स की पिटाई हो रही है उस तरीके से डबल प्राइसेस में उछाल आ रहा है गोल्ड प्राइसेस के, बिकॉज एक तो डॉलर इंडेक्स की पिटाई और ऊपर से एक जो इन्फ्लेशन का कंसर्न चल रहे हैं और एक और अदर कंसर्न चल रहा है वो मैं आपसे बताना मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, डेट सीलिंग का। यूएस की जो डेट सीलिंग है वह बस आने वाली है, आई थिंक कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं डेट आपको मंडे के वीडियो में बता दूंगा। उस पर भी अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि डेट सीलिंग बढ़ानी चाहिए कि डेट सीलिंग नहीं बढ़ानी चाहिए। वैसे तो 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि डेट सीलिंग आती है और ऑलमोस्ट लास्ट डे पे यूएस जो है डेट सीलिंग बढ़ा देता है, बट अगेन एक कंसर्न तो है ही और एक ही अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव बात है। जब ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी तो ऑफकोर्स गोल्ड प्राइसेस के लिए ये वाला फैक्टर काम करना बंद कर देगा, बट अगेन एक अनसर्टेनिटी है तो गोल्ड प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव बात है। बाकी 2015 पे क्लोजिंग हुई है, चलिए इस हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। 1940 का सपोर्ट है, इसके नीचे अगर गोल्ड क्लोजिंग दे देता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $1900। 1940 वुड एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट नेक्स्ट वीक। इफ गोल्ड प्राइसेस ब्रेक एंड मैनेज टू क्लोज बिलो दिस लेवल देन एक्सपेक्ट 1900 इन गोल्ड प्राइसेस। 2092 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। 2092 के ऊपर क्लोज होता है तो एक्सपेक्ट 2120, 2120 एंड 2180, 2180। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, करेंटली गोल्ड ट्रेंड इज इन पॉजिटिव। सिल्वर पे आते हैं, यह है जी सिल्वर। सिल्वर में देखा जाए तो एक ज़्यादा तेज़ी जिस तरीके की होनी चाहिए थी वैसे हो ही नहीं। फाइनली सिल्वर जो है अंडर परफॉर्मेंस पे उतर आया है और अंडर परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार है। सिल्वर $26 के नीचे बंद हुआ है जबकि गोल्ड $2000 के ऊपर बंद हुआ है, बट अभी भी सिल्वर पॉजिटिव जोन में है। सिल्वर इज स्टिल इन पॉजिटिव जोन डिस्पाइट क्लोजिंग बिलो $26। सपोर्ट क्या है इसका, सपोर्ट है 2350 का, सपोर्ट एट $23.50। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है 2760 का, 2760। ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव बट इफ सिल्वर क्लोज एंड क्लोज बिलो 2350 देन एक्सपेक्ट $21। 2350 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो $21 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इफ क्लोज अबव 2760 देन एक्सपेक्ट $29। 2790 के ऊपर, 2760 के ऊपर $29 तक सिल्वर जा सकती है। करेंटली बोथ गोल्ड एंड सिल्वर आर इन पॉजिटिव जोन, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों पॉजिटिव जोन में है। दिस इज क्रूड ऑयल, करेंटली देख सकते हैं इट इज इन डाउनवर्ड चैनल, डाउनवर्ड चैनल में है, वीक जोन में है। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है क्रूड ऑयल प्राइसेस का देख लेते हैं। वैसे MCX के वीकली लेवल्स आपको मार्केट कॉमेंट्री के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मार्केट कॉमेंट्री कैसे ज्वाइन करते हैं और बेट सिग्नल्स की जानकारी दोनों मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक आप चेक कर सकते हो। रेजिस्टेंस आर्ट $77, $77 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है $80। क्लोजिंग अबव $77 में रिजल्ट इन $80। सपोर्ट आर्ट $65, $65 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $60। क्लोजिंग बिलो $65 में रिजल्ट इन $60। ट्रेंड इज वीक, कीप एन आई ऑन लेवल्स। $65
और $77 मेजर लेवल है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। MCX के लेवल भी मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। बाकी लाइव डेटा का अपडेट और लाइव न्यूज़ का अपडेट मैं टेलीग्राम और ट्विटर पर दे देता हूँ। दोनों का लिंक स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।